नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से आज आपको, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि सफ़ेद पलाश के पौधे के बारे में, छोटा पौधा को कैसे पहचानेंगे। छोटे पौधे की पहचान तो बड़ी मुश्किल है मित्रों, इसलिए बड़ी धोखाधड़ी चल रही है। ये देखिए, इस तरह से इसमें एक बीच में अंकुर और दोनों तरफ अंकुर, ऐसे तीन अंकुर रहेंगे। ये शिव प्रतीक है, विष्णु प्रतीक है, और इसकी गठाने ऐसी मोटी रहेगी। ये देखिए, पत्ते में ज़्यादा अंतर नहीं होता, ये पूरा सफ़ेद पलाश का पौधा है। इसकी डगाने सफ़ेद रहेंगी, ये देखिए, उसकी लाल रहेंगी, हल्की सी कत्थई रहेगी, पर इसकी डगान इस पौधे की ऐसी सफ़ेद मिलेगी। सबसे बड़ी पहचान इसकी ये तीन होना चाहिए, ये तीन। ये बीच वाला भाग कुछ भी नहीं निकलेगा, सूख जाएगा थोड़े दिन में, परंतु शुरू में ये इस तरह से दिखेगा। पत्ते में भी आप पहचान देखिए, इस पत्ते में नीचे से ऐसा गोल रहेगा, ये इसमें नोक नहीं मिलेगी। कोई सा ही पत्ता देखेंगे आप इस तरह से, और जो लाल पलाश का पत्ता रहेगा उसमें हल्की सी नोक रहेगी। इसको पहचानने के लिए थोड़ी बारीकी की ज़रूरत पड़ती है, ये बहुत अनिवार्य। ये देखिए, छोटे से छोटे पत्ते में भी आपको ऐसा भूरापन ज़्यादा मिलेगा, उसमें कम मिलेगा, नीचे से इसमें नोक नहीं रहेगी। कोई सा ही पत्ता देखेंगे आप, ये यहाँ पे लाल में एकदम ऐसी हल्की सी ऐसी नोक रहेगी, ये इसीलिए लोग इसको गलत करके बेच रहे हैं। उससे बहुत सावधान रहिए, क्योंकि वो जानते हैं 10 साल में पुष्पित होगा, देखा जाएगा कौन पकड़ेगा, कह देंगे भाई वो तो हमने लाल सफ़ेद ही दिया था। इसलिए भ्रमित मत होइए मित्रों, इसमें बीज बहुत कम आते हैं, बड़ी मुश्किल से 10-5% बीज मिलते हैं, उसमें से भी 1-2% ही बीज उगते हैं, इसलिए यह दुर्लभ है। उगता ही नहीं, क्योंकि जिस मिट्टी में उगता वो मिट्टी अलग होती है, और उग भी जाए तो वो पीला हो जाता है, पूरा सफ़ेद रहेगा ही नहीं वो। देखिए, कोई सा भी पत्ता आप देखेंगे अंदर से बड़ा होगा, वैसे वैसे इसमें अंदर से ऐसा गड्ढा हो जाएगा, ये ऐसा गड्ढा हो जाएगा, और उसमें गड्ढा नहीं होगा, उभार होगा। ये देखिए, कोई सा भी आप पत्ता देखेंगे ना, ये पत्ता विशेष तरह का पत्ता है, ये देखिए, ऐसे गड्ढे मिलेंगे इसमें, ऐसा गड्ढा हो जाएगा। ये शेर के पंजे के माफिक होता है, माँ भगवती का प्रतीक है, इसलिए जब ये बड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल शेर का पंजा ऐसे ही रहता है, ये ऐसे लॉब रहते हैं उसमें, ये। और जो लाल पलाश रहेगा, बड़े पत्ते होने पे लॉब नहीं रहेंगे। ये पत्ता बहुत देर से सूखेगा, और जब ये सूख जाएगा पत्ता, देखिए मैं होगा सूखा बताता हूँ, तो ये सफ़ेद कलर का होगा, वो कत्थई कलर का होगा। सूखा पत्ता भी दिखा देता हूँ आप, ये देखिए, ये सूखा पत्ता, ये इस तरह से सफ़ेद रंग का आएगा, कितना भी सुखा लो इसको ऐसा, और चमकदार रहेगा ये। और वो पत्ता जो रहेगा वो कत्थई कलर का हो जाएगा सूखने के बाद, लाल पलाश का। सफ़ेद पलाश का पत्ता आपको ऐसा चमकदार मिलेगा, देखिए कितना चमकदार है ये, यही इसकी पहचान है मुख्य पत्ती से। पुष्प तो मैंने बता ही चुका हूँ आपको कि क्या है, कई लोग भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए बार बार मेरे से पूछते थे, मेरे ये पौधे में बढ़िया अंकुरित हो गया है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ये मेरा मोबाइल नंबर है मित्रों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा, बीज के लिए तो अभी मैं जा नहीं पाया हूं, बहुत लंबा जाना पड़ता है, लॉकडाउन है, हो सकेगा, संभव हो सकेगा तो मैं आपको 1 माह के बाद बता सकूंगा। पौधे में नहीं देता, पौधे दे पाना संभव ही नहीं है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से एक ही पौधा है मेरे पास, ये जो बड़े प्रयास से मैंने लगाए तो 40 थे, उगा एक, यही इसकी बात है। और लोग बाग जो बोलते हैं कि बड़े आसानी से बोल देते हैं अपना व्यापार चलाने के लिए, उस भ्रमित में मत पड़िए मित्रों, ये बड़ी दुर्लभ चीज़ है, इतनी आसानी से हर किसी को प्राप्त नहीं होती, और इसका सौदा ज़्यादा करना नहीं चाहिए, फालतू पौधा है ये। ये फिर से दिखा देता हूँ, इसको देख लीजिए, ये देखिए, ये बीच में एक, ये और ये दोनों तरफ एक, और ये गठान मोटी मिलेगी आपको, ये इसकी मुख्य पहचान है।
और ये डंडी जो है, ये देखिए सफ़ेद पलाश की डंडी, ऐसी सफ़ेद मिलेगी आपको। ये बाकी में कत्थई मिलेगी, इसमें सफ़ेद मिलेगी, पूरा पेड़ सफ़ेद सफ़ेद ही रहेगा ये। तो भ्रमित मत होइए मित्रों, बीज भी जो इसका आता है ना, बीज भी बहुत सफ़ेद आता है, अंदर खूब स्वर्ण जैसी आभा मंडल, चमकदार आभा मंडल रहता है उसका। तो ये पूरा पौधा है मित्रों, ये मैंने आपको दर्शन करा दिए। इस बार बड़ा पौधा नहीं करा पाया, बड़ा पेड़, इसलिए छोटे के दर्शन करा दिए। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, ACF फॉरेस्ट, ये मेरा जय माँ काल आयुर्वेद है, ऊपर लाइसेंस नंबर है। नमस्कार मित्रों।